Okay students, now we will discuss over remaining structures which are involved in gaseous exchange in plants. So we will discuss how does gaseous exchange occurs in woody stems and mature roots. Woody stems and mature roots mein aise kya structure present hote hain jinke through gaseous exchange ka process hota hai. Ab in woody stems and mature roots ke andar, as we have discussed in leaves and young stems के stomata present होते हैं but woody stems and mature roots में ये structures नहीं होते. आपको क्या structures ऐसे present होते हैं जो कि gases exchange करने में help out करते हैं? Like have you ever observed the tree? Tree को आपने कभी observe किया है? उसकी outer side जो layer होती है it is quite hard. उसकी जो outer layer होती है वो hard होती है. It is called bark. उसको हम क्या कहते हैं? Bark कहते हैं. अब बार्क जो आउटर मोस्ट लेयर वुडी स्टेम्स में होती है लाइक ट्रीज में होती है उसके अंदर आपकी गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं हो सकता. इट इज़ इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर. सो क्वेश्चन राइजेस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्परवियस. इम्परवियस का मतलब होता है इम्परमीएबल. इट मीन्स के जो बार्क होती है इट डजेंट अलाउ एनी गैस और वाटर टू पास थ्रू इट. वो किसी भी गैस को या वाटर को अलाउ नहीं करती कि वो क्रॉस कर सकें बार्क को. सो आपकी जो वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स के अंदर होती हैं इनके अंदर सर्टेन पोर्स प्रेजेंट होती हैं. बार्क के अंदर जो आउटर लेयर है वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स की उनके अंदर पोर्स होती हैं. इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? लेंटिसल्स कहते हैं. अगर मैं आपके यहाँ पर ड्रॉ करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर इज़ अ बार्क. बार्क की अपर साइड वाली लेयर में दे आर दी सर्टेन पोर्स और होल्स विच आर प्रेजेंट. इन होल्स या पोर्स को आप लेंटिसल्स कहते हैं. सो जो लेंटिसल्स होते हैं इनका फंक्शन है दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम. वो एयर को अलाउ करती हैं उनमें से पास करती हैं और गैसेस एक्सचेंज करने में क्या करती हैं? लेंटिसल्स हेल्प आउट करती हैं. अब जो सेकंड फीचर है लेंटिसल्स का वो ये है कि स्लाइटली रेज्ड होते हैं अपनी सरफेस से. फॉर एग्जांपल ये अपनी सरफेस से बल्जिंग होते हैं. इजीली आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो. ये रेज्ड होते हैं ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं. वाइल अगर आप स्टोमेटा और लेंटिसल्स में डिफरेंस देखो तो स्टोमेटा और लेंटिसल्स में डिफरेंस होता है. स्टोमेटा आर दी पोर्स विच आर प्रेजेंट इन दी यंग स्टेम्स एंड लीव्स वाइल लेंटिसल्स आर दी पोर्स विच आर प्रेजेंट इन दी वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स. लेंटिसल्स जो होते हैं वो स्लाइटली रेज्ड होते हैं सरफेस से. वाइल जो स्टोमेटा होते हैं वो स्लाइटली रेज नहीं होते वो फ्लैट होते हैं सरफेस के ऊपर. ओके नाउ वी विल डिस्कस हाउ डज गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स. आपके जो यंग रूट्स हैं वो कैसे गैसेस एक्सचेंज करती हैं. अब जो यंग रूट्स होती हैं उनकी जो आउटर सरफेस होती है इट इज़ क्वाइट थिन. वो थिन होती है तो आपके जो रूट सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं उनके सराउंडिंग में जो गैसेस हैं वो आउटसाइड एंड इनसाइड इजीली डिफ्यूज कर सकती हैं. क्योंकि जो रूट्स होती हैं उनकी आउटसाइड लेयर जो होती है वो इट इज़ क्वाइट थिन. तो वो गैसेस जो होती हैं इनसाइड एंड आउटसाइड जो होती हैं वो ईजिली मूव करती हैं. नाउ वी विल डिस्कस हाउ डज गैसेस एक्सचेंज अकर इन द एक्वाटिक प्लांट्स. अब एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं? अब एक्वाटिक प्लांट्स में जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं थ्रू वाटर. वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है प्लांट्स उसको वाटर से ऑब्टेन करते हैं. और जो प्लांट्स होते हैं रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो भी कहाँ पे करते हैं? इनसाइड द वाटर. ओके स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स. नाउ एट द एंड I will show you some short questions which are regarding the introduction and the gases exchange in plants. आपको short questions किस form में आ सकते हैं जो कि आपका introduction topic था और gases exchange in plants था. So आपको question आ सकते हैं define cellular respiration, differentiate between cellular respiration and breathing, explain stomata, write down its function and what are lenticels, write their function. Or how will you differentiate between stoma and lenticels? And the how does gaseous exchange occur in leaves and young stems? आपको इस तरह के इस काइंड के शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं.